देखो परिजनों को उसके हर... हमारे यहाँ तीन पेशेंट मिले हैं, उनकी एक ही फैमिली के हैं वो, और एक पेशेंट जो उनका दिल्ली में एडमिट है उसको वो मिलने गए थे, तो उसी से उनको लग संभवत है वो उनसे लगा है, तो अभी और को तो कहीं से कोई वो नहीं है सूचना, इन तीन पेशेंट की सूचना है। क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लोगों को ले लेने चाहिए ऐसे समय में? इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स ये है कि इस तरह का, देखिए वायरस जब मेरठ में हवा में है तो जो इनके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको एक हफ्ते कम से कम उनको अलग से आइसोलेशन में रह के दवाई खानी है। दवाई हमने कल उनको सबको, पूरी फैमिली को और कॉन्टैक्ट्स को दे दी है, उनको आइसोलेशन में रहना है, जो पेशेंट है उनको भी और जो आइसोलेशन जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी आइसोलेशन में रहना है, और बाकी जनरल जो हाइजीन के जो मेजर्स हैं वो सभी सबको लेने चाहिए, जैसे कि कोई खांस रहा है तो मुंह पे रुमाल रखे और किसी से हाथ मिलाने से बचे, और हाथ मिलाते भी हैं या संपर्क में आते हैं किसी के तो साबुन से हाथ धोएं बार बार, यही इसकी बचने की। सर पता कैसे चलेगा अगर किसी को स्वाइन फ्लू हो जाता है तो उसको क्या लक्षण होते हैं, कैसे पता चलेगा? लक्षण इसमें यही है कि रनिंग नोज, छींक, खांसी, फीवर, गले में खराश, यही लक्षण होते हैं इसके, जो कंट्रोल हो जाता है 3 से 4 दिन 5 दिन में, और जो लोग खासतौर से गर्भवती महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं और बुढ़े होते हैं, ओल्ड एज पर्सन्स होते हैं या COPD के मरीज होते हैं, सांस फूलने वाले, इन लोगों को ये संभावना रहती है कि इनको इससे जो न्यूमोनाइटिस हो जाती है उसमें इनके जीवन को खतरा रहता है।